सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल आजकल अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। कोई भी इसकी सुध लेने वाला यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल में पिछले काफी समय से ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं और ना ही यहां अल्ट्रासाउंड हो पा रहे हैं। ऑपरेशन करने वाला सर्जन अस्पताल में कोई नहीं है, अल्ट्रासाउंड करने वाला अधिकारी छुट्टी पर है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ सिरमौर, शिमला और सोलन से इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन जब यहाँ आकर उनका व्यवस्थाओं से पाला पड़ता है तो उन्हें बेहद हताशा हाथ लगती है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि सत्ता में बदलाव होते ही कुछ दिनों बाद यहां की व्यवस्था बदलने वाली है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन भाजपा सरकार यह तीनों सेवाएं नहीं दे पाई। इसके चलते प्रदेशवासी बेहद दुखी है, लेकिन अब सत्ता में बदलाव होने जा रहा है। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में अस्पताल में अच्छी सेवाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिला सोलन से हिमाचल स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने सोलन अस्पताल की सुध नहीं ली। यहाँ ना ऑपरेशन हो रहे हैं और ना ही अन्य सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही सोलन के अस्पताल को दुरुस्त किया जाएगा, यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। अब दो दिन की बाद 8 तारीख को इस प्रदेश के अंदर चुनाव के नतीजों का अब बक्से खुलने वाले हैं, ईवीएम मशीन खुलने वाली है, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है। पिछले 5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोलन, क्या मुझे लगता है, कहीं भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक सोलन हॉस्पिटल की बात है तो हम पिछली बार भी 3-4 बार वहां पर धरना देने गए, लेकिन उसके बावजूद आपको मालूम है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर सोलन का पेशेंट, सोलन की जनता और कम से कम आसपास की गरीब जनता यहाँ सोलन में सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आती थी, ना उसको किसी किस्म की फैसिलिटी, टेस्ट की फैसिलिटी मिलती थी। पिछले दिनों आपको पता है कि इनके टेस्ट की जो लैब है वो भी बंद रही, उसके अलावा उनकी जो सीटी स्कैन मशीन थी वो ख़राब रही, कई साल तक ही ख़राब रही है। तो पिछले दिनों जब स्थानीय विधायक को लेकर हमने दौरे किए तब कहीं जाके सीटी स्कैन मशीन स्थापित हुई। जहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल की बात है, हम सरकार जो सरकार सत्ता में उसका मकसद सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन चीजें मेन होती है। अगर हम स्वास्थ्य इस आम जनमानस को प्रोवाइड नहीं करा सकते, बेसिक नेसेसिटी नहीं दे सकते, हम विकास की बात करेंगे बड़ी बड़ी, तो मेरे को लगता है कि वो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। इस करके जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो जाने वाली 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार आएगी, मुझे लगता है कि इसमें बड़ा भारी हिमाचल के अंदर जो 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे, हमारे स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र से, और उनका कर्तव्य था कि कम से कम अपने जिला का एक हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल को बेहतरीन तरीके से बना के जाते, उसमें सारी सुविधाएं देते। लेकिन कि पिछले दिनों से ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन यहाँ पर सर्जन कोई नहीं है। हमें मिली और मीडिया के जरिए हमें पता लगा कि बद्दी के अंदर जो है वो ऑपरेशन थिएटर है नहीं और वहाँ सर्जन है। ये तो वही बात होगी ना, जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं है, जिसके पास चने उसके पास दांत नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 साल का कार्यकाल का ये अंत ही मैं समझता हूँ कि होने जा रहा है, और कांग्रेस की सरकार आएगी और इसके ऊपर कांग्रेस की सरकार स्थानीय हॉस्पिटल के ऊपर विशेष ध्यान देगी और यहाँ पर सारी किस्म की सुविधाएँ कम से कम जो मरीजों को मिलेंगी।